आषाढ़ी वारी की पृष्ठभूमि पर विट्ठल के दर्शन आज से 24 घंटे भक्तों के लिए शुरू कर दिए गए। परंपरा के अनुसार विट्ठल के शयन कक्ष में लगा पलंग बाहर निकाला गया। आषाढ़ी यात्रा की पृष्ठभूमि पर श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए विट्ठल के दर्शन 2400 घंटे खुले रहेंगे। इसके लिए विट्ठल का दैनिक राजोपचार भी आज से बंद कर दिया गया। आषाढ़ी एकादशी के 24 घंटे प्रक्षाल पूजा तक भक्तों के लिए विट्ठल और मां रुक्मिणी के दर्शन खुले रहेंगे। प्रक्षाल पूजा के बाद ही विट्ठल का राजोपचार एक बार फिर से शुरू होगा। इस अवधि के दौरान केवल विट्ठल की दैनिक पूजा और शाम को विट्ठल को नींबू पानी चढ़ाया जाएगा। आज श्री विट्ठलाचा पलंग काढून 24 तास वारकऱ्यांना दर्शन आजपासून चालू झालेले आहे। हे दर्शन प्रक्षाळ पूजेपर्यंत म्हणजे 18 तारखेपर्यंत हे दर्शन चालू राहणार आहे। दर्शनात लोक मुखदर्शन आणि चरणदर्शन असे दोन्ही दर्शन नित्य होणार आहे। आणि आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने राज्याचे मुख्यमंत्री हे महापूजा करण्याची प्रथा व परंपरा आहे, त्यानुसार मंदिर समितीच्या वतीनं या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिंदेसाहेब यांना मंदिर समिती महापूजेसाठी निमंत्रण देणार आहे। उद्धव ठाकरे येणार आहेत का महापूजेला? त्यांना देखील आपण आमंत्रित केलं तर दर्शनाला वगैरे ते येणार आहेत। परंपरा ही मुख्यमंत्र्यांना महापूजेसाठी निमंत्रण द्यावायची आहे, त्यानुसार आदरणीय एकनाथ शिंदेजी साहेबांना आपण महापूजेचं निमंत्रण देत आहोत। उद्धव ठाकरे येणार आहेत का? परंतु त्याची मला कल्पना नाही आहे।